गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुचिता हेयर अगेन। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग गुड। आप लोग अपने घर पे खुश होंगे, और मेरा वीडियो देखने के लिए और लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए थैंक यू सो मच। आई एम सो एक्साइटेड अगेन। एज आई सेड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है। हाँ जी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों का लव एंड अफेक्शन। बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों ने जो भी मुझे अभी तक दिया है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। चलिए मैं अपना वीडियो शुरू करूँगी। आगे आज हम बात करने वाले थे फिटनेस की, एंड आई एम सो एक्साइटेड। फिटनेस का मतलब सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि क्या होता है ना। फिटनेस का मतलब देखिए, ये नहीं होता है कि आप जिम जाइए, आप क्या कहते हैं, एक्सरसाइज कीजिए, कार्डियो कीजिए। फिटनेस का मुझे लगता है ये मतलब नहीं होता। सोनिया, आज ज़रा सैटरडे है और सब लोग घर पे हैं, बच्चे भी, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड म्यूजिक भी आएगा, तो प्लीज़ बेयर विद मी। और आज मैं जरा थोड़ा घर में चल रहा है काम वाम, बच्चे भी हल्ला वल्ला कर रहे हैं, मैं मेरी सेकंड फ्लोर पे हूँ और आप लोगों से मुझे कनेक्ट होना है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताती हूँ, आपसे बात करती हूँ इस बारे में। फिटनेस का मतलब ये होता है कि हम लोगों के जो हम इंडियंस होते हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शन है अभी हम लोगों के दिमाग में। ये चीज़ें होती है कि फिटनेस का मतलब क्या होता है, जिम जाइए, ये सब कीजिए जैसे मैंने बताया, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, हम लोगों के लिए क्या होता है फिटनेस का मतलब, घर में जो लेडीज़ होती हैं, सबसे पहले तो वो डरते हैं कि जिम नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें जिम जाने का मतलब नहीं बनता है, ठीक है। आप लोगों को जिम के बारे में नहीं सोचना है, क्यों? क्योंकि फिटनेस का क्या है, इसमें 80% वो होता है जो आप लोग खाते हो, जो आपका रूटीन होता है, बेसिकली गुड हैबिट्स में आता है ये। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोगों को अपना खाना कंट्रोल करना है। जस्ट कंट्रोल द पोर्शन, यू नीड टू कंट्रोल दी पोर्शन, नथिंग एल्स, ठीक है। और मैं फिटनेस का क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इट्स ऑल रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। अभी मेरे आगे जो भी वीडियोज आएंगे, आई कंटिन्यू जो मैंने कल टॉपिक पे बात किया था, जो हम बात कर रहे थे, उसको मैं कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। तो अभी हमारा टॉपिक वही होगा, और मैंने जैसे कि आप देख सकते हैं जर्नी विद सुचिता, तो इसका मतलब यह है कि मेरी जर्नी है। जैसे कि मैं आप लोगों के साथ अपना दुख शेयर करती हूँ, तो आप लोगों का पूरा हक बनता है कि मैं आप लोगों के साथ अपना सुख भी शेयर करूँ, अपना वेट लूज भी शेयर करूँ, जो भी मेरी मुझे सक्सेस मिली है लाइफ में, या वट एवर आई हैव डन, वो सब आपके साथ शेयर करूँ, है ना। तो ये तो बनता है, तो ठीक है, इसीलिए मैं आपके साथ ये वेट लूज का शेयर कर रही हूँ। एज आई सेड, वेट लूज इज़ नॉट फॉर जस्ट अपेयरेंस, इट्स अबाउट योर फिटनेस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे मैं आई एम एडिक्टेड, आई एम टी एडिक्टेड। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको दिखाऊंगी। आपको ग्लास एक मेजर लेना है, एटलीस्ट दो ग्लास, आप दो ग्लास से शुरू कर सकते हैं। टू ग्लासेस ऑफ वाटर इन द मॉर्निंग यू कैन हैव, नो लेमन, नथिंग। जैसे मुझे अभी क्या है कि बेसिक साइनस है मुझे, तो मैं लेमन नहीं ले सकती, मेरे लिए प्रॉब्लम है, तो मैं नहीं लेती हूँ। तो आई यूज़ टू टेक, आई एम टॉकिंग अबाउट 2017 और 18 जो मैंने वेट लूज़ किया था। अभी भी आई एम लूजिंग, तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। अभी मैं, मेरा जो रूटीन है वो दूसरा है, तब मेरा रूटीन दूसरा था, है ना। तो पहले मैं आपको पहली वाली बात करूँगी, फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात हो रही है, सेकेंड इज लिटिल डिफरेंट। तो अभी पर आप वो भी, वो लोग भी इसको अप्लाई कर सकते हैं जो सेकेंड या थर्ड जो भी आपकी प्रेगनेंसी के बाद की जर्नी है, जो मतलब आपको वेट लूज़ का है, वो मैं बता रही हूँ। पहले तो आप देखिए, जो भी ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, उनको कैलोरी इनटेक चाहिए। अभी कैलोरी इनटेक का भी आप, ये गलत है कि कैलोरी इनटेक है तो बहुत खाओ, नो, ऐसा नहीं होता है। आप खाइए, खाना खाइए, लेकिन उसको 6 पोर्शंस अ डे बना दीजिए। आज हम बात करेंगे ओनली ब्रेकफास्ट और लंच की, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट में जैसे मैं सुबह उठती हूँ, मैं आपको अपना रूटीन बताती हूँ, जो मैं आपको अपना रूटीन बता रही हूँ वही आप लोग उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक है। तो मैं सुबह क्या करती हूँ, 2 ग्लास पानी लेती हूँ सबसे पहले, एंड आई एम एडिक्टेड टू टी, सो व्हाट आई डू आफ्टर हाफ एन आवर, आई टेक माई टी। वो मैं नहीं छोड़ सकती। मैंने कोशिश बहुत करी छोड़ने की, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं उसको छोड़ दूँ, और थोड़ा यू नो आफ्टर सम टाइम, और मे बी कुछ और, ये जितनी भी ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, जैसे विनेगर हो गया, एप्पल साइडर विनेगर, सो मेनी थिंग्स यू नो पीपल टेक, तो वो मुझसे नहीं होता। आई टेक माई टी एंड आफ्टर दैट आई ट्राई टू हैव माई ब्रेकफास्ट बाई 9 एंड 10। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रही हूँ, प्रैक्टिकली। आई विल नॉट टेल यू कि यू हैव टू फिनिश योर ब्रेकफास्ट 8 o'clock, यू नीड टू फिनिश योर ब्रेकफास्ट 7 o'clock। नहीं, मैं आपको मेरा बता रही हूँ वट आई हैव डन, एंड आई वॉज फीडिंग ऑल्सो। सो वट आई डिड, मैंने सुबह अपना ब्रेकफास्ट लिया, और ब्रेकफास्ट के साथ क्या लिया, पराठे, कुछ भी, एनी स्टफ पराठा। नॉर्थ इंडियन है यार, पराठे और मक्खन मिल जाए तो मज़ा आ जाता है ना। मक्खन तो आई ईट अ लॉट। बस इतना है कि मैं तेल नहीं लगाती थी। एक कोकोनट ऑयल ऑल्सो है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगी कि अमेजोन में कौन सा वाला है वो। अभी देखिए, हम क्या होता है ना, एक हमारे दिमाग में एक चीज़ होती है, आप कोकोनट ऑयल का नाम सुनते हैं और आप सोचते होंगे कि अरे कोकोनट ऑयल टेस्ट है, काफ़ी लोग ही ना, जैसे केरला वगैरह में तो दे यूज टू, बट हम नॉर्थ इंडियंस नहीं होते हैं, वी आर नॉट यूज टू हैविंग कोकोनट ऑयल एंड ऑल दैट। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नॉर्मल रैंडम जो हमारे मार्केट में मिलते हैं, नॉट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट।
फ्रेश भी मैं बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपको वो चीज़ नहीं बताना चाहती जो मैंने नहीं की है। मैं आपको वो बताऊंगी जो मैंने किया है, जो मैंने टेस्ट किया है। एक मैक्स केयर का कोकोनट ऑयल आता है, दैट इज़ लाइक एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल इन अमेजोन, एंड यू कैन बाय दैट ऑल्सो। अगर आप छोटा बॉटल ले सकते हैं, 100 ml 200 ml का आता है। इफ़ यू लाइक द टेस्ट देन यू कैन कंटिन्यू। तो मैं क्या करती थी, अभी क्या है कि घर में सब लोग के अलग अलग खाने तो नहीं बन सकते, जैसे बच्चों के लिए बनता है, ऑफ कोर्स आई एम प्योर वेजिटेरियन तो मेरे लिए वेजिटेरियन बनता है, हस्बैंड नॉन वेजिटेरियन है, तो क्या करते थे हम, और मेरे इन लॉज दे ऑल्सो नॉन वेजिटेरियन, तो वट वी डू, मेरे लिए मदर इन लॉ क्या करती थी कि या तो उसको ड्राई पराठा निकाल लेती थी और मैं उसके ऊपर उसको मक्खन के साथ खाती थी। अदरवाइज वट शी यूज़ टू डू, रादर देन यूजिंग द नॉर्मल ऑयल लाइक रिफाइंड ऑयल और वट एवर, शी यूज़ टू यूज़ दिस कोकोनट ऑयल ऑन यू नो इसमें, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। यू कैन यू विल नॉट इवन फील कि यू आर हैविंग कोकोनट ऑयल, फ्रेंकली। मैंने कम से कम, जब मैं फर्स्ट टाइम वेट लूज़ कर रही थी, मैंने 1 लीटर से 6 लीटर्स कोकोनट ऑयल मैंने अपना वेट लूज जर्नी में खाया है, एंड इट इज़ टू टू क्रेविंग, मुझे अभी तक उसका क्रेव होता है, एंड अगेन आई एम यूजिंग इट नाउ। आप डेली भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप वेट लूज़ कर रहे हैं उसी जर्नी में आपको यूज़ करना है, यू कैन यूज़ ऑल्सो। और यहाँ मैक्स केयर की मैं कोई ब्रांडिंग नहीं कर रही हूँ, मेरी कोई ब्रांडिंग नहीं है। एज आई सेड, मैं जो भी प्रोडक्ट आपको बता रही हूँ, वट एवर आई एम यूजिंग, इट इज़ ऑल दैट आई यूज़, नॉट बिकॉज आई रिकमेंड यू टू यूज़। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप यूज़ कीजिए, बट मैं आपको बता रही हूँ वट आई हैव डन। और मैं औरों को भी, जिनको बता रही हूँ, उनका वेट भी थोड़ा शेड ऑफ हुआ है इस चीज़ से। तो लोग कहते हैं कि मिथ है, कोकोनट ऑयल से लूज़ नहीं होता है, लूज़ नहीं होता होगा, आई डोंट नो, बट आई एम जस्ट सेइंग कि कोकोनट ऑयल के एक ही बेनिफिट नहीं है, वेट लूज़ इज़ नॉट द ओनली बेनिफिट, बहुत सारे बेनिफिट हैं, आप उसको गूगल करके देख सकते हैं, है ना। एज आई सेड, गूगल में कुछ तो अच्छा तो मिलता ही है, ऐसा नहीं है। तो कोकोनट ऑयल के बेनिफिट्स भी हैं, तो आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो। जस्ट हैव इट, इट इज़ ऑल माइंड गेम, यू नो, वेट लूज का जो एक चीज़ होती है, ट्रिक भी है, इट्स ऑल माइंड गेम। अगर आप कहते हो नहीं लूज होगा, नहीं लूज होगा, नहीं लूज होगा, चलो ये भी खा लो, वो भी खा लो, ऐसा भी खा लो, वैसा भी खा लो, तो वेट लूज नहीं होगा। और दूसरी बात क्या है कि आपको एक डिसिप्लिन अपनी लाइफ में बनाना पड़ेगा। अभी क्या है, देखिए, जो हमारी लाइफ है, जैसे हमारी लाइफ होती है, अभी अभी जो मैं आर्मी वालों की बात कर रही हूँ, जो पार्टीज होती हैं, गेट टुगेदर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्रेविंग मन होता है, ये होता है, मेरा क्या है, आई बैलेंस एवरीथिंग। मैं तब भी खाती थी, लेकिन मैं एक तरीके से खाती थी, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत खा लिया है, मेरा था कि मैं थोड़ा 2 मील्स आई यूज़ टू टेक प्रॉपरली। लेकिन जब मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ, जब मैं 2016 में वेट लूज़ कर रही थी, तब मैं प्रॉपर खाती थी और थोड़ा थोड़ा खाती थी। एज आई सेड, इट्स ऑल द पोर्शन गेम, ठीक है, ये और कुछ नहीं है। और 80% आपका खाना होता है, 20% आपकी एक्सरसाइज होती है। इफ़ यू यू वॉन्ट टू डू कार्डियो, इफ़ यू लव टू डू कार्डियो, प्लीज गो अहेड विद दैट, एंड वॉक ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनी वेज, आई कम बैक टू द फूड फर्स्ट एंड देन वील टॉक अबाउट दी वर्कआउट। मेहनत के बिना तो कुछ नहीं होता है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए थोड़ी सी। अब चाहे वो खाने की मेहनत हो, चाहे वो एक्सरसाइज की मेहनत हो, गिव अप आपको करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि नो पेन नो सॉरी नो गेन विदाउट एनी पेन, तो इज़ द सेम थिंग, तो आपको करना पड़ेगा एनी वेज। तो आप क्या करना है, ब्रेकफास्ट में आप कोई भी पराठा ले लीजिए, मैं खाती थी पराठा और चटनी भी लेती थी। जैसे मैं आई यूज़ टू हैव अ नॉर्मल, कभी हमारे क्या होता है ना नॉर्थ में, हरिद्वार वगैरह में, अजवाइन के पराठे बड़े फेमस हैं। आप अजवाइन डालो, थोड़ा सा नमक डालो, उसको रेसिपी वगैरह हम फिर किसी दिन बात करेंगे। अगर आपको जाननी होगी तो प्लीज़ कमेंट मी ऑन माई कमेंट बॉक्स एंड आई विल टेल यू व्हाट इज़ द रेसिपी। एनीवेज, मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द लेडीज़ नोज कि अजवाइन पराठा क्या होता है, तो वो मैं चाय के साथ खाती थी, वो मेरा ब्रेकफास्ट हो जाता था। अब कहते हैं 11-12 बजे टेका एप्पल एंड ऑल दैट, ऑफकोर्स इज़ गुड टू टेक इट, मैं नहीं लेती थी क्योंकि मुझसे नहीं होता था, वो मेरा स्किप हो जाता था। बट बिफोर द लंच आई ऑलवेज लाइक, मैंने काफ़ी परसेंट 60% कोशिश की होगी कि मैं पानी पीऊँ 2 गिलास, ऐसा मैंने हमेशा नहीं किया, बट हाँ वो अच्छा है अगर आप पी लेते हो तो। अब बात करेंगे पोर्शन की, मेरा एक बोल है छोटा सा, और मैं उस बोल में क्या करती हूँ, हाउ आई ईट। क्यूक्यूम्बर आपको खाना ही खाना है, आपको ये जो 5 दिन आप ये, मैं डाइट करती थी 5 दिन, 2 दिन मेरे चीट डे रहते थे। अब चीट डे में मैं क्या करती थी, 5 डेज आई नेवर यूज टू टेक कार्ब्स। हाँ, पार्टी में कहीं जा रही हूँ तो थोड़ा सा 2 चम्मच में राइस ले लेती थी, अदरवाइज आई नेवर यूज टू टेक इट। तो मैं क्या करती थी, 5 दिन कार्ब्स नहीं लेती थी। कार्ब्स का मतलब हो जाता है, कार्ब्स भी बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं अवॉइड करती थी पोटैटो, रोटी एंड राइस, एंड आई यूज टू टेक ओनली द वेजिटेबल्स, एंड आई यूज टू टेक दिस कोकोनट ऑयल, में घी की तरह यूज़ करती थी। नॉर्मल ऑयल में आप बनाओ, जैसा आप घर में सबके लिए बना रहे हो, आप वैसा बनाओ। वैन यू आर टेकिंग इट, वैन यू आर यू नो सर्विंग, तो उस सर्विंग में आप क्या करो, उस कोकोनट ऑयल को 1 चम्मच ऊपर से डाल दो घी की तरह, वैन यू कैन हैव इट। और घी आपको उसके साथ खाना है, आप घी भी खा सकते हो, लेकिन घी थोड़ा कम खाइएगा, ज़्यादा फैट भी नहीं होना चाहिए। इट्स बेसिकली अ फैट, यू आर लूजिंग योर वेट विद अ फैट, है ना, आपकी बॉडी का फैट टू फैट कट रहा है वो।
तो आप ये कीजिए, फिर आप सब्जी भी खाइए, सब कुछ खाना है इसमें। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं खाना, इसमें जब बस इतना है कि हैवी मसाले तला भुना बहुत ज़्यादा नहीं खाना। अब जैसे मेरा मन करता था समोसा खाने का, मैं चाय के साथ एक समोसा भी खा लेती थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मेरा रूटीन था कि मेरे को सुबह 11 बजे तक तो ब्रेकफास्ट करना है, दिन में 2 बजे से 2 बजे या 3 बजे तक मेरा लंच हो जाता था। और लंच में ही मैं क्या क्या लेती थी, सब्जी लेती थी, दाल ले लिया, और मैं लेती थी सैलेड। सैलेड में मैं लेती थी क्यूक्यूम्बर, 2 क्यूक्यूम्बर मैं आफ्टरनून लेती थी, 2 क्यूक्यूम्बर मैं इवनिंग लेती थी। पर क्यूक्यूम्बर मेरा मस्ट है इस डाइट में, क्यूक्यूम्बर इज द मस्ट, क्योंकि वो आपको हाइड्रेट करता है आपकी बॉडी। तो आई यूज टू चॉप दिस, छोटे छोटे पीस करती थी क्यूक्यूम्बर के, एंड उसमें एक बोल में मैं उसमें डाल, जैसे राजमा बनी है तो मैंने राजमा भी निकाल लिया 2 चम्मच, छोले निकाल लिए, दाल बनती थी थोड़ी सी दाल मिक्स कर ली, पनीर 50 ग्राम, इफ़ यू आर टेकिंग पनीर। फॉर मी आई यूज़ टू हैव पनीर एटलीस्ट 5 डेज, मैं पनीर खाती खाती थी 50 ग्राम, 20 to 50 ग्राम छोटे छोटे क्यूब्स काट के उसको डाल देती थी, थोड़ा सा फ्राई करके एक्चुअली। और एक चीज़ और है मेन, अगर आप कोकोनट ऑयल यूज़ भी कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ कोकोनट को जलाइए नहीं। मेरा मतलब जैसे हम करते हैं ना कि पैन में तेल डाला तो उसको वेट करते हैं बॉयल करने का, वो मत कीजिए। जब हल्का सा पैन गर्म होता है उसमें तेल डाल, गर्म भी नहीं, आप पैन रखते हो उसमें ऑयल डाल दो तुरंत, और ऑयल के साथ ही आप वो जो क्यूब्स होते हैं आपके पनीर के वो फ्राई कर दो, उसमें कैरेट डाल सकते हो आप सॉटे करके, आप कैप्सिकम का पीस डाल सकते हो उसको सॉटे करके, आप निकाल लीजिए। ऑब्वियसली क्यूक्यूम्बर तो कोई फ्राई करता नहीं है, और अगर आप कर सकते हो तो आप कर लीजिए एज यू विश, मैं नहीं करती थी। तो मैं अपना काट के उसको उसके ऊपर सब कुछ डंप कर दिया मैंने, एंड आई यूज टू पुट ब्लैक सॉल्ट, मैंने नॉर्मल सॉल्ट छोड़ दिया था, आई वॉज टेकिंग ओनली द रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट सेंधा नमक आता है, टाटा का भी आता है, काफ़ी आते हैं, आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। और किसी को सवाल पूछना है कि कौन सा पर्टिकुलर आई एम यूजिंग, आई टेल यू, बट मैं तभी जवाब दूंगी जब आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए मैं ऐसे कमेंट में नहीं लिखूंगी कि क्या क्या है, आई जस्ट टेल ओनली द कोकोनट ऑयल में डाल सकती हूँ, बाकी चीज़ें आपको जो पूछनी है लेट यू नो, ठीक है। तो फिर क्या करती थी मैं, उसमें ये सब मिक्स कर दिया, एक बोल बना लिया मैंने। अब मैं उसमें कुछ भी डालू, अभी जैसे लेट्स से कि केले की सब्जी बनी है या फिर बीन्स बना है, तो मैं वो भी मिक्स कर लेती थी, बट मेरा पोर्शन इतना रहता था, इतना मतलब एक यू टेक योर पाम यू नो, ये साइज का, तो मेरा बोल ये है, मैं सब उसमें खाती थी। कुछ लोगों को पसंद नहीं है कि सब एक साथ खाएं, तो आप क्या कर सकते हैं, प्लेट में थोड़ा थोड़ा इतना, सी सी माई हैंड, दिस मच ऑफ 7 थिंग्स इफ यू आर टेकिंग, आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ। और अगर आपको फिर भी भूख लग रही है, वैसे तो ये कोकोनट ऑयल का यही है कि कोकोनट ऑयल से आप भूख नहीं लगती ज़्यादा बिल्कुल, मतलब आप यू डोंट क्रेव। और कभी जब बहुत क्रेव होता था तो मैं खा लेती थी, लेकिन एक टाइम पे, ठीक है। अब जैसे मुझे समोसा चाट वगैरह कुछ खाना है तो मैं डिनर नहीं करती थी, मैं वो नहीं करती थी, मैं दूध। हाँ जी, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, है ना, ये आपकी मर्जी है। तो आप ये करिए ब्रेकफास्ट में, जैसे मैंने कहा कि इट्स ऑल अप टू यू, आपको खाना है तो छोटा छोटा पोर्शन का, ये एप्पल भी आप बीच में ले सकते हो। चलो वो सब हो गया। लंच में क्या है कि कोई एक साथ नहीं खाता है तो आप अलग 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 ले सकते हो, आपसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप एक रोटी ले सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू आपको कब लेना। हाँ एक चीज़ और है, एक पॉइंट बना के रखिए, अगर आप रोटी ले रहे हैं तो प्लीज़ रोटी लीजिए, ठीक है। रोटी आपने जैसे मॉर्निंग आफ्टरनून में ले ली, और डिनर में भी आप रोटी लीजिए, और अगर आप आफ्टरनून में राइस खा रहे हैं तो प्लीज़ आप डिनर में भी राइस ही खाइए, मिक्स मत कीजिए, राइस और रोटी एक साथ नहीं खाना है इसमें, ठीक है, क्योंकि उम्र तो खाना ही खाना है ट्वाइस। और आपको 8 बजे से पहले खाना है, जो भी आपको खाना है 8 बजे से पहले खाना है। अब सुबह आपको 8 बजे भूख लगती है तो प्लीज़ थोड़ा कंट्रोल कीजिए, हैव चाय, और चाय के साथ एक रस ले लीजिए, यू नो रस खाते हैं हमारे यहाँ, जो भी आपको लेना है। और हाँ मैं जैगरी लेती थी, मैं चाय भी शेयर करूँगी आपके साथ, कभी बनाते हुए मैं वीडियो बनाऊँगी कि मैं चाय कैसे पीती हूँ। मैं प्रॉपर मसाले वाली चाय पीती हूँ, अदरक भी डालती हूँ, थोड़ी सी काली मिर्च भी डालती हूँ, कभी इलायची भी डालती हूँ, लेकिन मैं हमेशा जैगरी लेती हूँ ऑर्गेनिक, उसकी भी कोई ब्रांडिंग नहीं है, मैं अमेजोन से ऑर्गेनिक जो भी होता है रिव्यूज़ देख के वो ऑर्डर कर लेती हूँ, लेकिन शुगर नहीं लेती। अब अगर मुझे मीठा खाना है, कुछ खाना है, कभी बहुत क्रेविंग हो रही है तो मैं वो भी खाती थी। अब आपको क्या करना है कि छोटे छोटे पोर्शन बनाने हैं, ठीक है। अगर आपको लंच में बहुत भूख लगती है तो आप एक काम कीजिए, मैं तो आपको एडवाइस करूंगी, आप थोड़ा सा खा लीजिए और फिर थोड़ी देर बाद फिर खा लीजिए। अब कुछ लोग लेजी होते हैं, है ना, जैसे मेरी तरह, मैं हूँ इन मामलों में लेजी कि मैंने एक बार खा लिया तो मैं सीधे तभी खाऊंगी जब मैं प्रॉपर खाऊंगी, मैं बीच में नहीं खाती। तो आप क्या कर सकते हो, एलमंड्स ले सकते हो, मखाने, मखाने तो भाई कब से चले आ रहे हैं, यू कैन हैव मखानाज, यू कैन हैव एलमंड्स, यू कैन हैव अखरोट ले सकते हो आप, है ना, वॉलनट्स वगैरह कुछ भी ले सकते हो, लेकिन लिमिटेड। अभी आप जैसे 6 एलमंड ले लिए, काजू ले तो 2 लीजिए, वैसे काजू अगर आप एक बार खाओ, मेरे साथ तो यही होता है, मैं रुकती नहीं हूँ, इफ आई ईट वंस मैं नहीं कंट्रोल नहीं कर सकती, तो वो आप पे डिपेंड करता है हाउ यू डू इट, बट प्लीज़ खाइए। शाम की चाय भी मैं लेती हूँ प्रॉपरली, और पानी, पानी इनटेक आपको लेना ही लेना है। अगर आप इतने लीटर्स नहीं पी सकते तो आप एक काम कीजिए, बेस्ट थिंग, अगर आपसे बॉटल से नहीं पिया जाता जैसे मैं हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, मैं 8 गिलास पानी पीती हूँ, 8 गिलासेज जैसे। और सबसे अच्छी ट्रिक मेरी क्या है कि सुबह सुबह मैंने अगर 3 गिलास पानी पी लिया ना, मैंने कहा ना ये माइंड गेम है, तो मुझे रिलैक्स रहता है कि हाँ चल मैंने इतना पानी पिया है।
तो आपको 8 गिलास पानी तो पीना ही पीना है। अब मेरा क्या है कि मैं वीक में, हफ्ते में 4 दिन मेरा क्लासेस चलती हैं, वो भी मेरा एक, अगेन आई एम नॉट ब्रांडिंग, इट्स अ कल्ट, मैंने डाउनलोड किया है, सब्सक्रिप्शन लिया है उसमें मैंने, एंड यू नो आई पेड फॉर इट लाइक 900 फॉर 3 मंथ्स, इट्स वेरी गुड। मेरे को 10 मिनट में काफ़ी वो, इट इज़ लाइक कंटिन्यूसली, आपको रुकना नहीं है, वो करवाते हैं आपसे लाइव, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, आप कमेंट कीजिए, एज आई सेड आई विल आंसर यू, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है फिर, लंच आपने कर लिया, उसके बाद 3-4 बजे का टाइम होता है, सोना नहीं, एक आपको इसमें सोना नहीं है, अब सोना गिव अप करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप कहीं पे भी रिसर्च में डाल के देख लीजिए, यू हैव टू टेक अ प्रॉपर 8 आवर्स स्लीप एट नाइट, आफ्टरनून में सोना इज नॉट रियली गुड। और मुझे पता है, हम बीइंग एन आर्मी फैमिली, मैंने देखा है, जब भी आप वहाँ, मैं कैंट में कहीं होती हूँ किसे, तो यू नो दैट इज़ द वेरी ऑकवर्ड टाइम टू कॉल समबडी, दैट इज़ वेरी ऑकवर्ड टाइम टू टॉक टू एनीबडी, बिकॉज सबको सोना है, हस्बैंड लोग आते हैं, खाना खाते हैं, बच्चे स्कूल से आते हैं, सब सो जाते हैं, वही नहीं करना है, बस वही नहीं करना है। अब आप पूछेंगे कि क्या करना है, तो बहुत चीज़ें करने के लिए आप कर लीजिए कुछ भी जो आपका मन करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी इस टॉपिक पे दोबारा बात करेंगे, अभी फिलहाल हम सिर्फ डाइट की बात कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ आपसे डाइट डील करूँगी, प्लीज़ सोना नहीं है अभी, बैठना बैठना भी ज़्यादा नहीं है, आप अगर बैठ रहे हैं तो प्लीज़ आधे घंटे में एक अलार्म लगा लीजिए, कुछ लगा लीजिए, आप किसी पे फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो प्लीज़ चलते चलते बात कीजिए, यू नो इट इज़ ऑल यू नीड टू कीप ऑल दिस इन माइंड। एंड बच्चों के साथ, जिनके बच्चे हैं, कहते हैं कि मैं तो इतना काम करती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, फिर भी मेरा वेट लूज़ नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कुछ हैबिट्स हैं, एज आई सेड कि आप खाने में थोड़ा कंट्रोल करेंगे तो सब कुछ होगा। अब बचे 2 दिन, सैटरडे संडे मैं क्या करती थी, मैं राइस खाती थी, मैं आई यूज़ टू हैव राइस इन दी आफ्टरनून, आई यूज़ टू ईट राइस इन दी इवनिंग, बट फिर वो एक पोर्शन कंट्रोल, मैं एक कटोरी राइस खाती थी दिन में और एक कटोरी राइस शाम को खाती थी, वाइट राइस, ब्राउन राइस आई एम नॉट ब्राउन राइस टाइप्स, मैंने वो भी ट्राई कर लिया, मैंने सब ट्राई कर लिया, मैं देसी हूँ और देसी तरीके से ही मैंने वेट लूज़ किया है और देसी बन के रहना चाहती हूँ, बस दैट्स, ये है मेरा, आई एम लाइक दैट, सॉरी, जिसको ब्राउन राइस पसंद है वो बन ब्राउन राइस खाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं एडवाइस नहीं करूँगी कि आप खाओ, क्योंकि मैंने नहीं खाया और मैंने उसको बिना खाए ही वेट लूज़ किया है, बट इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ गो फॉर ब्राउन राइस, देर इज़ नो हार्म, यू कैन हैव, बहुत अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है। आप अगर, जैसे मैंने अपने हस्बैंड का भी वेट लूज़ कराया था 9 kg, यू नो उनको बीच बीच में चेक होता है ये है, तो उसके लिए मैंने क्या किया था, कोकोनट ऑयल में ही मैंने सिर्फ डाल के ये जितने भी नॉनवेज वगैरह है बना दिया था, इसमें कड़ी पत्ता डाल दो स्वाद के लिए, खड़े मसाले डाल दो, थोड़े से हल्का सा सॉल्ट डाल दो, एंड सर्व इट विद अ सैलेड लाइक खीरा, हाँ खीरा के साथ कर सकते हो, कैरेट के साथ कर सकते हो, चिली फ्लेक्स डाल सकते हो, ओरिगैनो इज देयर, मिक्स हर्ब्स इज देयर, इट्स वेरी नाइस, एंड ही लव्ड इट, एवरी डे ही आस्क फॉर इट, एवरी डे, सो आई नो हाउ फूडी ही इज, और उनको पसंद आया है तो डेफिनेटली आप लोगों को भी पसंद आएगा, ठीक है। वेजिटेरियन वालों के लिए चॉइसेस हैं, पेलो पीपल से देर इज नो चॉइसेस, बट देर आर मेनी चॉइसेस फॉर वेजिटेरियन, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं एग भी नहीं खाती हूँ, तो आई यूज टू हैव राजमा, छोले, दाल, ब्रोकली समटाइम्स, एंड यू नो आप गोभी की सब्जी भी नॉर्मल ले सकते हो, यू कैन चॉप अनियन, टमेटो, कैरट, कैप्सिकम, बहुत सारी हैं, क्या नाम लूँ, लौकी भी है, लौकी तो मैं बहुत खाती हूँ, आई लव लौकी, तोरी, चचिंडा, जिनको पता होगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, बॉटल गार्ड एंड ऑल दैट, दिस काइंड ऑफ थिंग, जो भी ये फैमिली है ये सब कुछ खाती थी, भिंडी आई अवॉइड क्योंकि वो सौगी सौगी हो जाती है, मुझे पसंद नहीं है, बस ये सब चलता था मेरा, डिनर में भी मेरा वही होता था। आप कहेंगे डिनर में क्या खाना है, डिनर की जो रेसिपी है मैं आराम से नेक्स्ट सैटरडे आपके साथ शेयर करूंगी, आज नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया है, और आप लोगों को जो भी डाउट है प्लीज़ पूछिए मुझसे। मेन पॉइंट आपको क्या रखनी है, 5 चीज़ें, एक सुबह आपको पानी पीना है, दूसरा आपको पोर्शन कंट्रोल करना है, तीसरा आपको अपने खाने से पहले, आप कोशिश कीजिए कि खाने के आधे घंटे पहले आप ये पानी पी लें, फोर्थ प्लीज़ डोंट यूज़ शुगर, शुगर नहीं लेना है, जो रिफाइंड शुगर जो आर्टिफिशियल मिलते हैं प्लीज़ डोंट टेक इट, आपको केक वेक भी खाना है तो प्लीज़ कीप इट फॉर संडे, यू कैन हैव, दिस नो प्रॉब्लम, कीप रिजर्व योर संडे फॉर योर चीट डे, आई यूज़ टू डू इट, मुझे पिज्ज़ा भी खाना होता था, चीज़ बस वट एवर इट इज़ आई यूज़ टू हैव ओनली ऑन संडे, एंड आई एम बाय द वे वेरी वेरी फूडी इन चीज़, आई लव चीज़, आई क्रेव फॉर चीज़ एंड बटर एंड ऑल दैट, देर इज़ नो हार्म हैविंग बटर ऑल्सो, यू कैन हैव इट। मेरा प्रॉपर ब्रेकफास्ट सुबह होता था पराठे वराठे, बाकी नहीं होता था दिन भर, और 5वें दिन ऐसा ऐसे 5 दिन मैं ऐसे ही चलती थी, 2 दिन मैं चूज़ करती थी, है ना। किसी को अगर ये वीडियो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ या आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझसे पूछिए, आई विल सेंड यू अ डिटेल वीडियो। अगर आप चाहते हो कि मैं एक बारी में ब्रेकफास्ट ही डिस्कस करूँ तो मैं आपसे फिर ब्रेकफास्ट ही डिस्कस करूँगी, लंच डिस्कस करना है तो सिर्फ मैं लंच ही डिस्कस करूँगी,
है ना। तो ये चीज़ें हैं अभी, और बाकी मैं मंडे से लेके जो भी मैं वीडियोस डालूंगी, आई विल पुट ऑन रिगार्डिंग दैट ओनली व्हाट वी वर टॉकिंग, विल कीप वन टॉपिक ओनली। जब भी आपको कुछ भी बात करनी है मुझसे या यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग, प्लीज पूछिए। और बाकी हम लोग ये बात कर रहे थे जो बेबी प्रेगनेंसी वाली, आई विल कंटिन्यू दैट। उसमें भी बहुत ट्विस्ट है, टर्न इन ट्विस्ट इज अ लॉट देयर कमिंग अप, सो वील इंजॉय। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके। प्लीज़ आई वॉन्ट लिटिल मोर लव, है ना। बहुत ज़्यादा आप लोगों से भी मुझे प्यार मिला है। एज आई सेड, यू आर माई फैमिली नाउ, यू पीपल आर माई फैमिली, एंड आई एम गेटिंग रियली रियली बूस्ट अप फ्रॉम माई ऑल द लेडीज़, मुझे जो बूस्ट कर रही हैं, एंड आई एम रियली ग्लैड, स्पेशली थैंक्स टू ऑल द लेडीज़ जिन्होंने मुझे बहुत प्यार से बोला है कि प्लीज़ वी आर वेटिंग फॉर मोर वीडियोज़। या सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड आई होप एवरीबडी इज़ गोना टेक प्रिकॉशन। मास्क आपको पता है लेना है आपको, प्लीज़ बी आई मीन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, be healthy, stay safe, and thank you for watching my video. Thanks a lot. Bye bye. Have a great day. I'll share fitness video later. Thank you. Ciao ciao.